100. कांग्रेस का बड़ा चुनावी धमाका, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से किया न्यूनतम आय योजना में पैसे देने का बड़ा वादा। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस सरकार बनने पर न्यूनतम आय योजना से लाभार्थियों को साल में दिए जाएंगे 32,000 रुपए। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। राहुल गांधी ने 12,000 रुपए महीने तय की न्यूनतम आय योजना की समय सीमा का। योजना के अंतर्गत आएंगे देश के 20% परिवार। राहुल बोले, 5 करोड़ परिवार करे 25 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। मथुरा लोकसभा सीट से हेमा मालिनी ने भरा पर्चा, योगी भी पहुंचे, पहले बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। नामांकन के बाद योगी ने मथुरा में की रैली, बोले मोदी की सरकार आतंकवादियों को बिरयानी नहीं गोली खिलाती है। को बिरयानी नहीं खिलाती बल्कि गोली खिलाती है, और गोली चलाती है तो यहाँ से गोला भी दागा जाता है। हेमा मालिनी ने इशारों में अगली बार चुनाव नहीं लड़ने के दिए संकेत, कहा अगली बार चाहती हूँ दूसरे लोगों को मिले चुनाव लड़ने का मौका। समर्थकों की भीड़ के साथ नागपुर में नितिन गडकरी ने किया नामांकन, चुनावी मौसम में दल बदल करने वालों पर बरसे। नागपुर से नामांकन से पहले नितिन गडकरी ने की पूजा अर्चना। बीजेपी उम्मीदवार जनरल वीके सिंह हवन पूजन के बाद गाजियाबाद लोकसभा सीट से भर चुके हैं पर्चा। एयर स्ट्राइक पर वीके सिंह ने दोहराया, मच्छर काट रहे थे, मैंने हिट स्प्रे कर मच्छरों को मार दिया। मैं रात को उठा, मच्छर काट रहे थे, मैंने हिट मारी, मच्छर मर गए। अब मैं मच्छर गिनूं या सो जाऊं। नामांकन से पहले बोले जीतन राम मांझी, नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी वाली सरकार को देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले मां की पैर छूट कर लिया आशीर्वाद। पासवान ने फिर एनडीए सरकार बनने का किया दावा, 350 सीटों पर होगी जीत हासिल। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने नादिनगढ़ से भरा पर्चा, श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने किया नामांकन, बोले अभी जवान हूं, देश और कश्मीर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने नामांकन से पहले महाकाली मंदिर में जाकर किए दर्शन। दिल्ली में महागठबंधन को लेकर माता बच्ची, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर राहुल के घर पर हुई बैठक, राहुल के घर बैठक में प्रियंका गांधी भी रही शामिल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने 2 वर्ष, शीला दीक्षित कर रही है विरोध। 5 कांग्रेसी नेताओं ने किया आप से गठबंधन का समर्थन, 6 नेता विरोध में, राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला। चौकीदार को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, बोले लोगों को स्थायी रोजगार चाहिए, चौकीदार नहीं। मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी से संजीव बालियान ने भरा पर्चा, विधायक संगीत सोम तमाम फायर ब्रांड नेता रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर सीट से आज गठबंधन उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह ने भी भरा पर्चा, छावनी में तब्दील कचहरी परिसर। ऊधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता हरीश रावत और बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने भरा पर्चा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, बीसी खंडूरी, भगत सिंह कोश्यारी जैसे नेता टिकट कटने से नहीं है खफा, स्वास्थ्य के चलते खुद ही उन्होंने किया मना। यूपी में कांग्रेस को तगड़ा झटका, अमरोहा से राशिद अलवी का चुनाव लड़ने से इनकार। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल रही हैं प्रियंका गांधी, 27 मार्च को सुबह कैफियत एक्सप्रेस से पहुंचेंगी फैजाबाद। कांग्रेस ने राम भक्त राहुल गांधी का जारी किया पोस्टर। अयोध्या भी जाएंगे प्रियंका, रेल और सड़क से होगी अयोध्या की यात्रा, हनुमान गढ़ी में दर्शन पूजन के बाद रोड शो, 2 जगहों पर होगी नुक्कड़ सभाएं। अयोध्या यात्रा से पहले प्रियंका गांधी ने उठाया उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मुद्दा, कहा बीजेपी नेता टी शर्टों की मार्केटिंग में व्यस्त, काश वो दर्दमंदों की तरफ भी ध्यान देते। प्रियंका ने गन्ना किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा चौकीदार सिर्फ अमीरों की करते हैं ड्यूटी। आशा बहनों के संघर्ष को प्रियंका के समर्थन पर मुख्यमंत्री योगी का ट्वीट, इस समय आशा बहनों को मिल रहे हैं 5,000 रुपए। योगी का प्रियंका पर पलटवार, अब तक आशा बहनों की शुभचिंतक कहां थी, नींद खुल गई क्या। प्रियंका पर योगी ने किया ट्वीट, कांग्रेस की डूबती नैया की नई खवैया, भ्रामक प्रचार से जनता को बरगला रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का प्रियंका की यात्रा पर पलटवार, कहा जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे वही अब अयोध्या जा रहे हैं। गांधीनगर सीट पर एनसीपी ने अमित शाह को घेरने की तैयारी की, गुजरात एनसीपी ने शाह के खिलाफ पार्टी में शंकर सिंह वाघेला को उतारने का रखा प्रस्ताव। हालांकि वाघेला पहले चुनाव लड़ने से कर चुके हैं इनकार, लेकिन एनसीपी गुजरात का मानना है शरद पवार के आग्रह पर हो सकते हैं राजी। गुलाम अखिलेश के आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्ते में मांगा जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई, वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई एफआईआर पर उठाए हैं सवाल। चुनाव के दौरान रोड शो और बाइक रैली पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की याचिका।
याचिकाकर्ता ने बाइक रैली और रोड से जाम और पर्यावरण को नुकसान का दिया था हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। नेताओं के एक दूसरे को मेंटल और पागल कहने पर रोक की मांग। द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी ने दिव्यांगों का अपमान बताया। अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अकबर लोन ने खोली पार्टी की पाकिस्तान परिस्थिति की बोल। खुद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार लोन ने कहा सीमा पार भी हमारा देश, उसे कोई एक गाली देगा तो हम 10 गाली देंगे। कोई उनके खिलाफ गाली देगा तो मैं एक गाली वो देगा, मैं उनको 10 गालियां दे दूंगा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चौकीदार कैंपेन का उड़ाया मजाक, कहा सिर्फ ट्विटर में पीएम ने क्यों जोड़ा चौकीदार। चौकीदार लगाओ, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार, आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ। मैं भी चौकीदार अभियान से अलग बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी, ट्विटर हैंडल पर नहीं लिखा चौकीदार। स्वामी ने एक चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा मैं ब्राह्मण हूं, मैं कैसे बन सकता हूं चौकीदार। स्वामी ने कहा मेरा काम चौकीदार को आदेश देना और उसे आदेश का पालन करना होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी। आज तक के पास सपना का मेंबरशिप फॉर्म, कांग्रेस नेता कैलाश त्रिपाठी का दावा झूठ बोल रही है सपना। कांग्रेस को झटका देने के बाद डांसर सपना चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की अटकली, मनोज तिवारी के साथ छूट में आई नजर। मनोज तिवारी ने सपना से मुलाकात की बात मानी, कहा प्रियंका संग पुरानी तस्वीर जारी करने से अपसेट थी सपना। मनोज तिवारी ने सपना की बीजेपी में एंट्री पर नहीं खोले पत्ते, भविष्य में क्या होगा इसका औपचारिक ऐलान बाद में वो करेंगे। कांग्रेस छोड़ने वाले सल्लोड़ के विधायक अब्दुल सत्तार का बयान, बीजेपी के कामकाज से हूं खुश लेकिन पार्टी नहीं कर रहा ज्वाइन। सोनीपत में लोगों ने विकास कार्यों का उठाया मुद्दा, सड़क नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे। भारतीय वायुसेना को मिला अत्याधुनिक चिनूक हेलीकॉप्टर, पाक सीमा पर तैनात होगा। 11,000 किलो तक के हथियार और सैनिकों को ले जाने में सक्षम है, हिमालय की पहाड़ियों में आसानी से कर सकता है लैंड। चंडीगढ़ में एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने वायुसेना को सौंपे 4 चिनूक हेलीकॉप्टर। वायुसेना प्रमुख धनोआ ने कहा गेम चेंजर साबित होगा चिनूक। शहीद हरिराम की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, पाक सीमा फायरिंग में हुए थे शहीद। मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए भूमि पूजन, 28 मार्च को रैली। गया में बोले तेजस्वी ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच, अमीर गरीब की लड़ाई, मोदी वर्सेस जनता के बीच है युद्ध। दिल्ली में बीजेपी ने किया पूजन और मीनाक्षी लेखी और महेश गिरी नहीं आए नजर। मैनपुरी में सांसद तेज प्रताप यादव के गोद लिए गाँव के लोगों ने मतदान का किया बहिष्कार। राजस्थान के गवर्नर का राजनीतिक बयान, कहा हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता और चाहते हैं नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने। वर्धमान में लोकसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता ने फेसबुक पर दी धमकी, लिखा अंजाम भुगते की पार्टी। समाजवादी पार्टी के लिए नया झटका, सांसद की बहनोई अनुजेश यादव बीजेपी में शामिल। दिग्विजय सिंह को भोपाल से कांग्रेस का टिकट मिलने पर शिवराज सिंह का पलटवार, बंटाधार रिटर्न्स दिया नाम। मंदसौर के कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का वार, बोली देश के सिर्फ 15 उद्योगपतियों की चौकीदारी से सुरक्षित नहीं होगी 120 करोड़ की आबादी। बीजेपी महासचिव राम माधव का कांग्रेस पर बड़ा हमला, पाकिस्तान से लड़ती तो जीत जाती कांग्रेस। पीलीभीत में किसान का खेत में मिला शव, धारदार हथियार से हत्या। गाजियाबाद में युवक युवती के शव मिलने से सनसनी, पवन पार्क इलाके में लाश मिली। पुदुचेरी में मिला शराब का जखीरा, पुलिस ने 490 बोतल शराब सीज की। करना पुलिस ने 700 ग्राम हेरोइन के साथ नाइजीरियन महिला को गिरफ्तार किया। गोंडा में आग लगने से बस जलकर खाक, बस में कोई नहीं यात्री सवार था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर खतरनाक हादसा, बस में लगी आग, हादसे में 4 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत, एक घायल। दिल्ली के आनंद विहार से लखनऊ जा रही थी बस, करहल इलाके में मीठेपुर के बीच हादसा, डिवाइडर से टक्कर के बाद हादसा, देखते ही देखते खाक हो गई पूरी बस। मुंबई के बायगला फ्रूट मार्केट में आग, कई दुकानें जलकर खाक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।